नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी की निर्भया को इंसाफ दो। यूपी के हाथरस की बेटी ने जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आज दम तोड़ दिया। आरोप यह है कि 14 सितंबर को युवती के साथ गांव के ही दबंगों ने गैंगरेप किया था और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। हालांकि हाथरस पुलिस की एफआईआर में गैंगरेप का जिक्र तक नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है। इस मामले में दिल्ली से यूपी और अब यूपी तक सियासी जंग छिड़ गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस बेटी ने दम तोड़ दिया है। बानियत की सारी हदें इसके साथ पार कर दी गई। इसकी जीप काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई ताकि ये शिकायत दर्ज कराने ना पहुंच सके। सफदरजंग में आज इस लड़की ने आखिरी सांसें ली। कई दिन तक पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं की, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चार आरोपी हालांकि अब गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद सवाल वही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों? आखिरकार इस तरह बेटियों को कैसे मिल सकेगा इंसाफ? हालांकि दलित लड़की की मौत से अब सियासत भी गर्मा चुकी है। पीड़ित परिवार की मदद करे यूपी सरकार, मायावती ने कहा है। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, लेकिन इसके बावजूद कब इंसाफ मिलेगा, इसी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, लगातार रेप की घटनाएं यूपी में, दुहाई यह दी जाती है कि वहां पर प्रशासन इतना मुस्तैद है कि इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ये जो घटना हुई है ये तमाम सवाल इसलिए भी खड़े कर रही है कि क्या सिर्फ मुआवजे तक ही इंसाफ सीमित रह जाता है? क्योंकि आप भले ही निर्भया फंड का गठन कर दें, उसके जरिए आप परिवार तक मदद मुहैया कराएं, लेकिन जब प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने की बात आती है, मामला क्या है इस वक्त? हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत जी, आज में स्वागत है। ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस लड़की के साथ जो कि दलित थी, उसके साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया है और उसके बाद अस्पताल में उस लड़की ने दम तोड़ा। ये दुखद घटना जो है 14 सितंबर को 9:30 बजे की बताई जा रही है। इस संबंध में 14 तारीख को ही, 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता स्वयं अपने भाई के साथ थाने पर उपस्थित हुई तथा उनके भाई ने अपने स्वयं के हस्तलेख में एक एप्लीकेशन थाने को दिया जिसमें रंजिश वाली बात बताई और एक व्यक्ति को नामजद किया जिन्होंने गला दबा के हत्या करने की कोशिश की। और 10:30 बजे ही एफआईआर उचित धाराओं में 307 तथा जो SC ST एक्ट के जो सब सेक्शंस हैं उसमें दर्ज की गई तथा उसी समय उनके मेडिकल कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने उनको जिला अस्पताल रेफर किया। बाद में वहां से उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए AMU ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। तो क्या पहले दिन जो FIR हुई उसमें रेप की बात आई? उसमें केवल रंजिश और गला दबाने की बात थी और उस के बाद से चूंकि SC ST का केस था, एक क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी ने इसकी विवेचना की और अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद से इसमें 354 की धारा बढ़ाई गई जो कि छेड़खानी से संबंधित है। और फिर इसमें जो मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी 20 तारीख को की गई जो नामजद था। ट्रॉमा सेंटर में प्रयास किया गया पहले बातचीत करने का, तो ऐसे मेडिकल कंडीशन नहीं थी जिसमें कि पीड़िता से बात हो सकती थी, तो लेकिन 22 तारीख को जो क्षेत्राधिकारी ने उनका बयान लिया और उसमें उन्होंने पहली बार अपने साथ दुष्कर्म की बात कही और उसी दिन उसमें धाराएं जो है परिवर्तित करके 376D जो कि एक गैंगरेप से संबंधित है उसमें धाराएं बढ़ा दी गई तथा क्रमशः 23, 25 और 26 तारीख को जो शेष तीनों अभियुक्त थे चौथे एक के अतिरिक्त इनकी गिरफ्तारी की गई और इस प्रकार चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी 26 तारीख तक कर ली गई।
तथा 27 तारीख को जो इसमें अनुदान राशि बनती थी वो उसके 50% हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उनको हस्तगत करा दिया और मेडिकल कंडीशन क्रिटिकल होने के कारण राज्य सरकार के निर्देश पे उनको दिल्ली शिफ्ट कराया गया, जहाँ की आज उनकी दुखद मृत्यु की सूचना मिली है। अब इसकी धाराएं 302 में हम परिवर्तित करेंगे और जल्द से जल्द साक्ष्य एकत्रित करके हम चार्जशीट करेंगे तथा कोर्ट से ये अनुरोध करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, ताकि अल्प समय में हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकें। सर, ये बताइए कि 14 तारीख की यह घटना है, 14 तारीख को इसमें रेप का मामला नहीं था, 22 तारीख को रेप का मामला दर्ज हुआ, तो क्या कोई डर था, कोई भय था उस लड़की में कि आखिर उसने एक हफ्ते तक ये मामला क्यों खुलकर सामने नहीं आया? क्या जो लोग थे वो दबंग किस्म के थे जो उसे डरा रहे थे? ये जो प्रथम दृष्टया जब पीड़िता थाने पे आई थी तो उनके साथ उनके भाई भी थे जैसा मैंने बताया, और उन्होंने अपने स्वयं के हस्तलेख में एप्लीकेशन दिए थे, और 22 तारीख को पहली बार इस संबंध में जो मेडिकल रिपोर्ट AMU के CMO ने भी दिया है, जिसमें लिखा है कि 22 तारीख को पहली बार उन्होंने ये बात सेक्सुअल असॉल्ट की बात बताई। अगर पुलिस के सामने या किसी से डर था तो जो मेडिकल अटेंडेंट हैं उनको भी ये बता सकती थी और वो भी मान्य था, तो लेकिन जो अभी तक के जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जैसे ही उन्होंने ये बात हम लोगों को बताई, और उसी समय तात्कालिक रूप से हम लोगों ने उसको धाराएं बढ़ा के और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी बिना किसी डिले के, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोगों ने बहुत कम समय में 26 तारीख तक ही सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।